नमस्कार साथियों, आप सभी का नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2021-22 में ऑनलाइन क्लास का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो सभी शिक्षकों को अब ऑनलाइन क्लास लेना अनिवार्य हो गया है। तो साथियों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिस्को वेबएक्स में अपडेट के बाद अब किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसे अपने विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के सिस्को वेबएक्स को अपडेट कर लेनी है। क्योंकि मैंने पहले ही अपडेट कर ली है। अपडेट करने के बाद क्या करना है आपको, ओपन पे क्लिक करके आप जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए, इस ऐप में कुछ परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर ही आपको स्टार्ट मीटिंग, ज्वाइन और शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, और ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है, और यदि आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करना है। शेड्यूल पर क्लिक करते से आप ऑनलाइन क्लास क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई मीटिंग लेना चाहे तो उसका आप शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास के लिए शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, लिंक तैयार कर सकते हैं। तो शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आपके जो पहले आप ऑनलाइन क्लास क्रिएट करने के लिए जो इस जैसे ही आप पहले ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जो शेड्यूल पे क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपके सामने स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपको मीटिंग टॉपिक में आपको जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, जो आप विषय लेना चाह रहे हैं या फिर सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है। टाइप करने के बाद इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पासवर्ड, तो शो पासवर्ड पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपने अनुसार से मनचाहा पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद आपको शो पासवर्ड को डिसेबल कर देनी है। डिसेबल करने के बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है इंटर इनवाइटी ईमेल्स, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सीधा हमें क्या करनी है, कैलेंडर में आ जानी है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है मंडे जुलाई 5, 2021, तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जिस डेट पे क्लास लेना चाह रहे हैं उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर नीचे में सेट दिया सेट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका दिनांक चयन हो जाएगा। उसके बाद समय दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको समय पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लॉक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको समय सेट कर लेनी है जिस समय आप क्लास लेना चाह रहे हैं। समय सेट करने के बाद देखिए ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहा है एएम और पीएम, तो हमको एएम और पीएम पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप दोपहर में क्लास लेना चाह रहे हैं तो आपको पीएम को टच करनी है, नहीं तो यदि आपका एएम रहेगा तो आपका नाइट में कौन बच्चे आपके ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाएंगे, इसलिए आपको एएम और पीएम पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमको ये सेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा समय भी वहाँ पर सेट हो जाएगा, हमको वहाँ पर समय दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमको 1 PM दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दोपहर के 1 बजे। उसके बाद हमको ये ड्यूरेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमको 0 आवर पे क्लिक कर देना है, 0 आवर पे। उसके बाद ये मिनट दिखाई पड़ रहा है, इसको हमको अपने अनुसार से सेट कर लेनी है। जितने मिनट का आप क्लास लेना चाह रहे हैं 40, 45 या फिर 50 मिनट का सेट करने के बाद देखिए आपको राइट साइड में शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, हमको ये शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑनलाइन क्लास जनरेट हो जाएगा। इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हमको ये दिखाई पड़ रहा है 1 PM क्लास 5, उसकी हमको उसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, और वहाँ पर देखिए टॉप में आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और डिलीट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो हमको ये शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने शेयर के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी जिसमें आप शेयर करना चाह रहे हैं उसको आपको टच कर देनी है। टच करने के बाद आपको जिसको शेयर करना है उस ग्रुप पे आपको इस तरह से टच कर देनी है, फिर आपको शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। अब देखें यहाँ पर एक समस्या ये आती है, जैसे ही हम शेयर करते हैं तो शेड्यूल तो यहाँ पे शेयर हो जाता है, लेकिन जो लिंक है जिस लिंक से विद्यार्थी जुड़ेंगे वह लिंक हमारे सामने शेयर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पुनः आपको बैक हो जानी है। अब बैक होने के बाद जैसे ही हम स्क्रीन पे आते हैं सिस्को वेबएक्स के, तो हमको इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, हमारा शेयर वाला स्क्रीन जहाँ से हमने शेयर किया हुआ था। तो जस्ट हमको इस स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर देखिए नीचे पे हमको URL एक लिंक दिखाई पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लास का लिंक दिखाई पड़ रहा है, उसको हमको ये कॉपी क्लिक करके कॉपी कर लेनी है। जैसे ही हम कॉपी करेंगे उसके बाद हमको इसका लेनी है और मिनिमाइज करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना है, और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करना चाह रहे हैं उसमें आपको पहले से इस तरह से
टाइप करके रख लेनी है, जो जो चीजें आपको टाइप करनी है अनिवार्य चीजें, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सिस्को विवेक्स का लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट कर देनी है इस तरह से। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपका लिंक क्या हो जाएगा, वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, और पेस्ट होने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए उसके पहले हम देख लेते हैं, हमने उस लिंक को शेयर कर लिया, कॉपी कर ली है। अब कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, हम चलिए सीजी स्कूल में आ जाते हैं, ताकि हमको सीजी स्कूल में भी हम आसानी से क्लास क्रिएट कर सकें। तो साथियों, ब्राउजर के माध्यम से हमने सीजी स्कूल पोर्टल ओपन कर लिया है, उसके बाद हमको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखाई पड़ रहा है मोबाइल नंबर और पासवर्ड, तो यहाँ पे आप अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर से एंटर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया, उसके बाद मैं शिक्षक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है इस तरह से। उसके बाद हमको क्या करना है, टॉप में जो दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट साइड में तीन लाइन मेन्यू, उसको हमको टच करनी है। टच करने के बाद ये शिक्षा के कार्य पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शिक्षा के कार्य पे क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल करके हमको इस तरह से नीचे की ओर आनी है। नीचे की ओर आने पर देखिए हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास, तो हमको ये ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए सीजी बोर्ड, सीबीएसई और डीएलएड लिखा हुआ है, तो हमको ये सीजी बोर्ड पे क्लिक करके रहने देना है। उसके बाद यहाँ से हमको ड्रॉप डाउन से क्लास चयन कर लेना है, जिस क्लास का हम ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं। इस तरह से क्लास चयन करने के बाद हमको यहाँ से विषय चयन कर लेनी है। इस तरह से विषय चयन करने के बाद हमको यहाँ से पाठ चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कक्षा का दिनांक, तो यहाँ पर जो डब्बा दिख रहा है उसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे डब्बा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर आ जाएगा, तो यहाँ से हम दिनांक सेट कर लेंगे। अब दिनांक सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर 5/7/2021 हो चुका है, फिर समय दिया हुआ है, समय के बाद जो डब्बा दिया उसके ऊपर हमको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने क्लॉक आ जाएगा। यहाँ से हम समय का चयन कर लेते हैं इस तरह से, एएम को पीएम कर लेंगे और सेट कर देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर लिखिए ऑनलाइन क्लास के लिए या अन्य के लिए, यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो हमको इसी पे क्लिक करते रहना है, या फिर टेस्ट क्विज या मीटिंग ले रहे हैं तो हमको ये अन्य पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास का लिंक और ये डब्बा दिखाई पड़ रहा है, तो उसके हमको हल्का से प्रेस कर देनी है। इस तरह से प्रेस करने पर यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आता है, तो उसको हमको टच कर देनी है, क्योंकि हमने लिंक को पहले से कॉपी कर लिया था। उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया है ऑनलाइन क्लास बनाए, तो हमको ये ऑनलाइन क्लास बनाए पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लास बन गया है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए नीचे में हमको ऑनलाइन क्लास का लिंक भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इसको क्लिक करके आप सीधा इसको शेयर कर सकते हैं, या फिर सीधे नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है एडिट करें, डिलीट करें या कॉपी यूआर, यानी कि यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं तो एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं, या फिर यदि आप क्लास लेना नहीं चाह रहे इसको आप समय से पूर्व डिलीट कर सकते हैं। फिर सीधे यहां से आप कॉपी यूआर कर सकते हैं। कॉपी यूआर करने के बाद, उस लिंक को कॉपी करने के बाद सीधा आपको ये व्हाट्सअप में आ जानी है जहाँ पे आप शेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए हम पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं सीजी स्कूल पोर्टल का लिंक, यहाँ पे लंबा प्रेस कर देनी है। फिर पेस्ट का ऑप्शन आ चुका है, पेस्ट करेंगे देखिए सीजी स्कूल का लिंक यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लिंक आ चुका है, उसके बाद हमको ये शेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए ये शेयर हो चुका है। यहाँ पर देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लास, शिक्षक का नाम, विषय, टॉपिक, कक्षा, दिनांक, दिन, समय, ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का लिंक, ये हो गया आपका सिस्को विवेक्स का लिंक, और ये है सीजी स्कूल पोर्टल का लिंक। तो विद्यार्थी जिस लिंक से जुड़ना चाह रहे हैं उस लिंक को टच करेंगे तो सीधा वे आपके ऑनलाइन क्लास पर निर्धारित समय पर जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आसानी से आप अपने जो ऑनलाइन क्लास के लिंक है सिस्को पोर्टल, सिस्को वेबेक्स का लिंक और ऑनलाइन क्लास पोर्टल का लिंक सीजी स्कूल का, उसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।